नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तथा आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। आप सभी को पता है विपक्ष से अभी तक जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है वो अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अब जल्द ही होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे इंडिया गठबंधन में पीएम पद के दावेदार। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इसका प्रस्ताव रख दिया है। जी हां साथियों, बता दें इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रख दिया है, जिसका आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का यह मौका है, मैं ममता दीदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हालांकि अभी तक इस फैसले पर सभी दलों की मुहर नहीं लगी है। एमडीएम के नेता वाइको ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया ब्लॉक के पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया था, जिसे बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री फीस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अभी भी चुप्पी साध ली है। हर अपडेट वैसे आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सबको मिलकर अपना काम करना है, ये मुद्दे को उठाना है। पूरे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग करने का फैसला लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।